सकता है इसमें कुछ पुराने मेंबर्स भी हो, कह नहीं सकते, और आने वाले लोगों का हम स्वागत करेंगे, उनका भरपूर सहयोग रहेगा और हम आते रहेंगे पंचायत मीटिंग्स में, हम आते रहेंगे और प्रधान जी का भी उसमें मार्गदर्शन में कहता हूँ कि नए चुने हुए लोगों को रहेगा। इसके साथ आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना कोऑपरेशन दिया है पिछली पंचायत को, कि सच में बहुत अच्छा लगा और एक बढ़िया लेवल पंचायत का हुआ इस टर्म वाला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम पंचायत बहल का जो मुझे दायित्व मेरी गांव की जनता ने दिया था, तो मैं अपने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल जो आज हो चुका है, नए चुनावों का जो डंका बज चुका है, तो मैं अपनी पंचायत की सारी जनता को अपना 5 वर्ष का जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैंने अपनी पंचायत पहल के अंदर, मेरी पंचायत में 5 वार्ड हैं, मेरे यहाँ 2062 जो है यहाँ की आबादी है, 5 मेरे वार्ड पंचायत के उप प्रधान जी हैं। हमने सब ने मिलकर के अपनी पंचायत के अंदर जो पंचायत को विकास के काम करवाने, चाहे मनरेगा है, चाहे 14वां वित्त आयोग है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन है, चाहे हमारा स्पेशल डिपॉजिट प्लान है, चाहे विधायक निधि है, इन सारे पैसों को जो हमारे यहाँ पे राशि हमारे यहाँ पे अप्रूव्ड हुई, उसके रूप में हमने अपने गांव के अंदर अनेक कार्य, चाहे पक्की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, पक्की गलियां हैं, छड़ौंज वाले रास्ते हैं, टाइल वाले रास्ते हैं, अंडरग्राउंड की नालियां हैं, लोगों के भूमि समतल के कार्यक्रम हैं, लोगों के पशुशालाएं हैं, लोगों के कृषि टैंक है, लोगों के अनेक जो विकास के साथ जुड़े हुए काम है वो हमने कर करके दिए। उसी तरह से हमने गाँव के अंदर चाहे सामुदायिक भवन है, चाहे वो पुलियाँ है, चाहे वो हमारे गाँव के अंदर अनेक जो और चीज़ें जैसे पीने के पानी की टंकियां हैं, उसी तरह से हमारे सार्वजनिक शौचालय है और हमारे गांव के अंदर अनेक जो कार्य है, उसके लिए हमने सारे हेड से जो हमारे 3-4 हेड पंचायतों में पैसे राशि सभी, उसके लिए 2,99,33,000 रुपये के काम हमने इस पंचायत के अंदर इन 5 वर्षों में किए हैं, जो पूरा हमारा मोटा मोटा रूपरेखा है। 2,99,33,000 रुपया, लगभग 3 करोड़ के काम और हमने लोगों के अपने जनता के किए, जो हमारा एक कर्तव्य मानता था। ये रिपोर्ट कार्ड मैं आज अपनी जनता के सामने रखना चाहता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए कार्य जो मैंने यहाँ पे लोगों को बताए, ये लोगों आकर आगे भी बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण करते हुए गांव को आदर्श गांव बनाए और बढ़िया गांव बनाए, ताकि हम किसी से पीछे ना रहें। यही हमारा सपना है कि मेरा गांव, मेरा बहल ये आदर्श बने, जहां सब प्रकार की सहूलतें मेरे गांव के लोगों को मिले, अनेक प्रकार की सहूलतें यहां पे हों। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है, यही मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मेरा गाँव बहल।